Welcome to Infant India's Education World. अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू और आज हम पढ़ेंगे सबक आज़ादी। क्या पढ़ेंगे? आज़ादी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पप्पू बबलू, ये देखो अब्बू तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। क्या कहा अम्मी ने? क्या कहा? पप्पू और बबलू, यानी कि ये उनके दो बेटे हैं। और क्या नाम है? पप्पू बबलू। एक का नाम पप्पू और दूसरे का नाम बबलू। तो मम्मी ने क्या कहा? पप्पू बबलू, देखो अब्बू तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। खूबसूरत तोतों की जोड़ी, नाम है चुन्नू और मुन्नू। क्या लेकर आए हैं पप्पू और बबलू के अब्बू ने? क्या लाए हैं? खूबसूरत तोतों की जोड़ी। तोता देखे ना आप, हरे रंग का होता है, कितना खूबसूरत होता है। उसकी गर्दन पे लाल रंग की पट्टी होती है। तो क्या लाए हैं? खूबसूरत तोतों की जोड़ी लाए हैं। जोड़ी का मतलब है यानी कि वो दो हैं और उनके नाम क्या हैं? चुन्नू और मुन्नू। तो तोते ने क्या कहा? टैं टैं ऐसे आवाज़ निकालने लगा। बाद में चुन्नू और मुन्नू वो लोग उसे उसके पास गए थे, तो वो लोग बोल रहे थे चुन्नू और मुन्नू। उसके बाद उस एक लड़के ने कहा, ये इतना फड़फड़ा क्यों रहे हैं? क्या कहा उसने? कि तोता जो है वो फड़फड़ा रहा था, बार बार अपने पर जो है वो उड़ा रहा था, और एकदम जैसे लग रहा था कि वो कैद है। तो अपन फड़फड़ाते हैं ना, तो उसी तरह से तोता भी अपने कैद में था, तो वो फड़फड़ा रहा था। तो उसने क्या सवाल किया? ये इतना फड़फड़ा क्यों रहे हैं दोनों? क्योंकि ये पिंजरे में कैद है, इनको अपने अब्बू और अम्मी की याद आ रही होगी। क्या कहा उसने? क्योंकि ये पिंजरे में कैद है और उनको अपने अब्बू अम्मी की याद आ रही होगी, तो वो उनके पास जाने के लिए इतना तड़प रहे हैं, तो वो अपने जो है वो फड़फड़ा रहे हैं दोनों। तो उसने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। उसने क्या कहा? हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये लोग कैद हैं, इसलिए इतना फड़फड़ा रहे हैं, इनको अपने अब्बू अम्मी की याद आती होगी। बच्चों आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पर पप्पू और बबलू की अम्मी ने क्या कहा कि उनके लिए अब्बू एक तोहफा लाए थे? क्या लाए थे? खूबसूरत तोतों की जोड़ी। नाम क्या था उनके? चुन्नू और मुन्नू। तो वो लोग जब देखे कि तोते जो है वो फड़फड़ा रहे हैं, पिंजरे में है तो वो फड़फड़ा रहे हैं, तो उसने क्या कहा कि ये कैद हैं, अपने अब्बू अम्मी की याद आ रही होगी इसलिए वो फड़फड़ा रहे हैं। हमें अपनी आपा ने भी कहा है ना कि परिंदों को कैद ना करो। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। उसने कहा कि आपा ने भी तो यही कहा है कि परिंदों को कैद नहीं करना चाहिए। तो इन दोनों ने क्या कहा? चलो फिर ऐसा करते हैं, इन दोनों को पिंजरे से आज़ाद कर देते हैं, यानी कि पिंजरा खोलकर उन्हें आज़ाद कर देते हैं, उड़ा देते हैं ताकि वो आज़ाद हो जाएं। तो तोते की आवाज़ निकालने लगे टैं टैं, है ना। और उन्होंने क्या किया? दरवाज़ा खोल दिया पिंजरे का। पप्पू और बबलू पिंजरे का दरवाज़ा खोल देते हैं, दोनों तोते उड़ जाते हैं। क्या हुआ कि उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया पिंजरे का और दोनों तोते उड़ गए। पप्पू बबलू, ये क्या किया तुमने? तोतों को क्यों उड़ा दिया? उसकी अम्मी ने क्या कहा? जैसे उन्होंने देखा कि तोते उड़ रहे हैं, पिंजरे से बाहर आ गए हैं, तो उन्होंने क्या कहा? पप्पू बबलू, ये क्या किया तुम दोनों ने? तुमने तोते को क्यों उड़ा दिया? उनकी अम्मी ने ये सवाल किया। तो उन्होंने क्या कहा? हमें हमारी आपा ने बताया था कि परिंदों को कैद नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने इन बेज़बान परिंदों को आज़ाद कर दिया। क्या जवाब दिया उन्होंने अपनी अम्मी को? कि आपा ने क्या बताया था? परिंदों को कैद नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया? इन बेज़ुबान परिंदों को आज़ाद कर दिया। क्योंकि उनकी ज़बान तो हमें समझ नहीं आती, वो सिर्फ टैं टैं करते हैं, तो फिर भी हमें समझना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या कहा? इन बेज़ुबान परिंदों को हमने आज़ाद कर दिया। तो बच्चों हमें भी ऐसा ही करना चाहिए ना, किसी परिंदों को कैद नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह हम आराम से आज़ाद हैं, अपने घर में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, है ना, हम हर कुछ कर सकते हैं, तो उसी तरह परिंदों को भी आज़ादी है कि वो खुले आसमान में उड़े, है ना, यहाँ से वहाँ जाए, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर उड़े, घूमे फिरे, है ना। और क्या करते हैं बाज़ लोग कि उन्हें कैद करके रख लेते हैं अपने घर की जीनत बनाने के लिए, ताकि अच्छा लगे, कोई कहे कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर देखा गया है कि तोते हैं या मुर्गी के बच्चे हैं, हम जो है कैद करके पिंजरे में रख लेते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये सबक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा,
और एक सबक भी मिला, एक नसीहत भी मिली, तो आप इस पर अमल करेंगे। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.